Hi, welcome back. Today I'm going to discuss of your homework which was given to you in the last class. So exercise first ka first sentence hai, I teach English. आपको हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कि आप जैसे हिंदी तोड़ने लगते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट वर्ड को देखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है आई, जिसे आप सब्जेक्ट बोलते हैं आई। यहाँ पे फिर लास्ट में जाना है सेंटेंस के लास्ट में, यहाँ पर क्या मिला आपको इंग्लिश और टीच मिस होता है पढ़ाना। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है, वह मुझसे बात करता है। शी स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है, वह हिंदी बोलती है। ही लाफ्स एट अदर्स, वह दूसरों पर हंसता है। दे लव इंडिया, वे लोग भारत से प्यार करते हैं। ही कम्स फ्रॉम दरभंगा, वह दरभंगा से आता है। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूं। वी गो देयर, हम लोग वहां जाते हैं। वी टेक टी इन द मॉर्निंग, हम लोग सुबह में चाय पीते हैं। चाय पीने के सेंस में आप टेक वर्ड का यूज करते हैं, ना कि ड्रिंक वर्ड का। ही लिव्स इन द सिटी, वह शहर में रहता है। आई वॉक इन द इवनिंग, मैं शाम में टहलता हूं। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, वह रोज व्यायाम करता है। दे लाफ एट अदर्स, वे लोग दूसरों पर हंसते हैं। ही सेल्स ब्लड, वह खून बेचता है। एक्सरसाइज सेकेंड का फर्स्ट सेंटेंस है, शी डज नॉट लुक ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं दिखती है। नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज किया गया है। हम बताए थे प्रीवियस क्लास में आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप डू या डज का यूज करते हैं, और डज का यूज कहां पे करते हैं तो ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहां पर सब्जेक्ट में है सी, इसलिए यहां पे यूज किया गया है डज का। शी डज नॉट लुक ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं दिखती है। लुक मीन्स होता है दिखना। द ट्रेन डज नॉट स्टार्ट एट 10 AM, गाड़ी 10 बजे स्टार्ट होना, यहाँ पे स्टार्ट मीन्स चलना, गाड़ी 10 बजे शुरू होना, स्टार्ट होना, नहीं चलती है। ही डज नॉट रीड नॉवल, वह उपन्यास, नॉवल मीन्स उपन्यास, वह उपन्यास नहीं पढ़ती है। नॉट रीड मीन्स नहीं पढ़ती है। दे डू नॉट प्ले जेली, वे लोग रोज नहीं खेलते हैं, नहीं खेलते हैं। आई डू नॉट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलता हूं। ही डज नॉट रिटर्न इन द नाइट, वह रात में नहीं लौटता है, वह रात में नहीं लौटता है। दे डू नॉट स्लीप एट 9 AM, वे लोग 9 बजे, एट 9 PM, 9 बजे नहीं सोता है। दे डू नॉट कम हियर एवरी डे, वे लोग प्रत्येक दिन यहाँ नहीं आते हैं। ही डज नॉट टॉक टू हर, ही डज नॉट टॉक टू हर, वह उससे बात नहीं करता है, वह उससे बात नहीं करता है। शी डज नॉट सिंग फोक सॉन्ग, फॉक सॉन्ग किसे बोलते हैं? फॉक सॉन्ग सब लोक गीत को बोलते हैं। फॉक मीन्स लोक होता है, सॉन्ग मीन्स गीत। तो वह लोक गीत नहीं गाती है। आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड, एक्सरसाइज थर्ड सेंटेंस फर्स्ट है आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्सरसाइज थर्ड। डू यू ड्राइव कार, हम बताए थे आपको जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए तो आप हिंदी तोड़ते वक्त क्या से शुरू करेंगे। डू का यूज किया गया है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में है आपका यू, और यू के साथ आप यूज करते हैं V1 का, तो डू आपका V1 होता है और डज आपका V5। तो डू यू ड्राइव अ कार, क्या आप या क्या आप लोग, तुम लोग कुछ भी, यू मीन्स क्या तुम कार चलाते हो। डज ही टेल अ लाई, क्या वह, क्या से सेंटेंस को शुरू करें, क्या वह झूठ बोलता है। टेल अ लाई, आप याद रखेंगे अ लाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाई के पहले हमेशा यूज किया जाता है अ वर्ड का। डू डॉग्स नॉट फ्लाई, क्या कुत्ते नहीं उड़ते हैं। डू डॉग्स नॉट फ्लाई, क्या कुत्ते नहीं उड़ते हैं। डू यू वीप, क्या तुम रोते हो।
Does he speak English fluently? क्या वह धारा प्रवाह, फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह, क्या वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है? डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह में सवेरे, अर्ली मीन्स सवेरे, गेट अप मीन्स उठना, क्या तुम सुबह में सवेरे उठते हो? डू यू रीड नॉवेल्स, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो? डू दे डांस, क्या वे लोग डांस करते हैं? डज ही ऑफन हेल्प यू एंड मी, क्या वह तुम्हें और मुझे अक्सर मदद करता है? डू यू नो इट, क्या तुम्हें यह पता है या क्या तुम यह जानते हो? दोनों सेंटेंस सही होगा. डज ही स्पीक द ट्रूथ, क्या वह सत्य बोलता है? डू यू रीड न्यूज पेपर डेली, क्या तुम रोज अखबार पढ़ते हो? एक्सरसाइज 4 फर्स्ट सेंटेंस है आपका. डू यू नॉट थिंक अबाउट हर, क्या तुम उसके बारे में नहीं सोचते हो? नॉट थिंक, नहीं सोचना. डू दे नॉट ट्राई टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, क्या वे लोग इस तरह के, जिस टाइप मीन्स इस तरह, इस प्रकार के, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, तो इस प्रकार के समस्या को समाधान करने की कोशिश नहीं करते हैं? नॉट ट्राई, नहीं कोशिश करते हैं. डज दिस डॉग नॉट बाइट देम, क्या यह कुत्ता उन लोगों को नहीं काटता है? नॉट बाइट, नहीं काटता है. डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? नॉट नो, नहीं जानते हो. Does she not play? क्या वह नहीं खेलती है? Do you not play the flute? क्या तुम बांसुरी नहीं बजाते हो? यहाँ पे आप एक बात समझ लेंगे, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स बजाना और प्ले मीन्स निभाना. यदि मैं बात करूं आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेकिन जब बात करना हो फ्लूट के, तो फ्लूट के साथ कोई खेलता नहीं. फ्लूट मीन्स बांसुरी, बांसुरी को लोग क्या करता है, बजाता है. डू यू नॉट प्ले फ्लूट, क्या आप बांसुरी नहीं बजाते हैं? इसी तरह से यदि मैं प्ले को निभाना के सेंस में लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि द वाटर ऑफ द गांगेस, द वाटर ऑफ द गांगेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द हिंदूज. ओके, सो नेक्स्ट है. तो यहां पे सेंटेंस सेंस क्या था, प्ले मीन्स निभाना, कि गंगा का पानी हिंदुओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अदा निभाता है. नेक्स्ट सेंटेंस आपका, डू दे नॉट कम हियर, क्या वे लोग यहां नहीं आते हैं? डज द सन नॉट राइज, क्या सूरज, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज पूरब में नहीं उगते हैं? डू यू नॉट लिसन टू द रेडियो, क्या तुम रेडियो नहीं सुनते हो? डज ही नॉट मेक अ नॉइस, क्या वह हल्ला, अ नॉइस, आप याद रखेंगे नॉइस के पहले भी हमेशा आ का यूज किया जाता है, क्या वह हल्ला नहीं करता है? और यहाँ पे करना के लिए डू वर्ड का यूज नहीं करते हैं, मेक का यूज करते हैं. डज ही नॉट मेक अ नॉइस, क्या वह हल्ला नहीं करता है. नेक्स्ट स्लाइड एक्सरसाइज 5 को आप देखेंगे. एक्सरसाइज 5 जो है ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है. व्हाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो? व्हाई लग गया मींस क्यों. व्हाई डज सी टॉक टू यू, वह तुमसे बात क्यों करती है? व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो? हाउ डज सी कम हियर, वह यहां कैसे आती है? When do you encourage me? तुम मुझे encourage करना, उत्साहित करना, तुम मुझे उत्साहित कब करते हो? What does he do? वह क्या करता है? When does she sleep? When does she help me? वह मुझे कब मदद करती है? How do they progress? वे लोग उन्नति कैसे करते हैं? Why do you work hard? तुम हार्ड, हार्ड मीन्स होता है कठिन, कठिन कठिन. तो व्हाई डू यू वर्क हार्ड, तुम कड़ी मेहनत क्यों करते हो? हाउ डज ही इंस्पायर देम, हाउ डज ही इंस्पायर देम, वह उन लोगों को प्रेरित कैसे करता है? व्हाई डू यू रिस्पेक्ट हिम होल हार्टेडली, तुम पूरे दिल से, होल हार्टेडली मीन्स पूरे दिल से, तुम पूरे दिल से उन्हें आदर या सम्मान क्यों करते हो? एक्सरसाइज 6, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला, बस इसमें नॉट का यूज किया गया है. तो देखेंगे, हाउ डू यू नॉट वॉच द टेलीविजन, तुम टेलीविजन कैसे नहीं देखते हो? व्हाई डू यू नॉट ऑलवेज गो देयर, तुम वहां हमेशा क्यों नहीं जाते हो?
Why does he not call us? वह हम लोगों को क्यों नहीं बुलाता है? Why do you not run daily in the morning? Why do you not run daily in the morning? तुम सुबह में प्रत्येक दिन या रोज क्यों नहीं दौड़ते हो? How do you not know us? तुम हम लोगों को कैसे नहीं जानते हो? Why do you not deliver a speech there? यहाँ पे आप याद रखेंगे, deliver means होता है देना, give means देना, grant means देना, endow means देना, तो सब means होता है देना, give means कैसा देना, जैसे हमने कोई वस्तु आपको दे दिया लेकर, जैसे I gave you a pen, मैंने तुम्हें कलम दिया, grant जो कोई permission होता है उसे grant किया जाता है ना, deliver means देना, जब कोई speech देता है तो उसके लिए special word क्या बनता है, deliver, तो तुम वहां भाषण क्यों नहीं देते हो? Why do they not solve those problems? वे लोग उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करता है? How do you not beat them? तुम उन लोगों को कैसे नहीं पीटते हो? So exercise From 1 to 6 आपने देखा, ये जो आपका होमवर्क था. नेक्स्ट क्लास में हम जो एडवांस लेवल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का उस पर बात करेंगे. आप हमारे साथ बने रहें. जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.